नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना मेरे मोहब्बत की मजार तो आज भी वही है, मेरे मोहब्बत की मजार तो आज भी वही है, शायद उसके सजदा करने की जगह बदल गई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पर। सर पंखा बंद कीजिए। तो आज प्यारे बच्चों, हम किसके रिगार्डिंग जो आपका जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, HSSC की सीरीज स्टार्ट की हुई है, और उसके साथ जो कैट वगैरह जितने भी एग्जाम होंगे इसके साथ वाला है, तो जितने भी एग्जाम होंगे ना उसमें आपका बहुत है पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है ना उसी पर हमारी आधारित रहेगी। जितने भी एग्जाम आगे होने वाले हैं ना, जिसमें इंडिया जीके आएगी, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। ये सीरीज कब तक जारी रखनी है तो आप हमें कमेंट करके बताना। जय मां सरस्वती का नाम लेके शुरू करता हूं। क्वेश्चन आया था, दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो मैं बता देता हूं, दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत 2.4% रहेगा, 2.4% कौन रहेगा? भारत रहेगा। लेकिन भारत में ना विश्व की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या कहां पर निवास करती है प्यारे बच्चों? भारत में निवास करती है कितना? विश्व का महज 2.4% रहेगा। जनसंख्या कितनी रहती है? 17.5%। तो गुरु जी, विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर कौन सा देश फैला हुआ है? तो विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल किस देश का रहेगा? रूस का। लगभग विश्व का 11% क्षेत्रफल अकेले रूस ने कवर कर रखा, ये याद कर लेना। गुरुजी, भारत का कौन सा नंबर है क्षेत्रफल में? तो भारत का क्षेत्रफल में प्यारे बच्चों 7वां नंबर है। कौन सा नंबर रहेगा भारत का क्षेत्रफल में? पूरे विश्व की बात करूं 7वां। गुरुजी, जनसंख्या में कौन सा रहेगा? जनसंख्या में गुरुजी चीन का बच्चों पहला नंबर है, और दूसरा किसका रहेगा? भारत का रहेगा। और जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि हम इस मामले में तो चीन को जरूर पीछे छोड़ देंगे। चीन भारत से, हम भारत की बात करें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर चीन की, अगर क्षेत्रफल की बात करूं, चीन से क्षेत्रफल है ना चीन का 3 गुना बड़ा है, लगभग 99,000,000 है ना वो चीन का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो भारत से है ना क्या है, लगभग 3 गुना चीन है बड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ना प्यारे बच्चों, भारत है ना विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है 17.5%। और भारत से ये भी आ सकता है बच्चों कि क्षेत्रफल में भारत से पहले नंबर किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, और भारत के ऑस्ट्रेलिया 6ठे पे है, 7वें पे कौन है? भारत है, और 8वां एक बाद का अर्जेंटीना रहेगा, ये याद कर लेना। और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है ना जितने है ना मतलब भारत में ना रेलवे में फॉर्म भरे गए है ना, उतनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, और जनसंख्या देखो कितनी ऑस्ट्रेलिया की कम है। तो प्यारे बच्चों, यही वो कारण होता है कि मतलब के हमें है ना थोड़ा सा ना जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा समस्याओं का अदरवाइज हमें सामना करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था बच्चों, लोकसभा को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, संसद राज्यों की परिषद, उच्च सदन या लोगों का घर? इसमें निम्न सदन ना देकर क्या कह दिया? लोगों का घर। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोगों का घर कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से करना था, लोकसभा को ना लोगों का घर या निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा है ना प्यारे बच्चों, इसका सदस्य बनने के लिए एज कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष होती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा कैसा सदन है प्यारे बच्चों? अस्थाई सदन है। और लोकसभा क्या रहेगा? जनता का प्रिय सदन रहेगा। जनता का क्या रहेगा? प्रिय सदन कौन सा रहेगा? लोकसभा रहेगा। राज्यसभा अपर हाउस है, अनुभवी व्यक्तियों का सदन है, और लोकसभा स्थायी सदन है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल 1954 में कहा गया। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, ये भी आ सकता है, हाउस ऑफ पीपल कब कहा गया?
पीपल कब कहा गया, तो 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और 1954 में ही राज्यसभा को स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से जाना गया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में प्यारे बच्चों बनता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों का परिषद राज्यसभा को 1954 में कहा गया था। एक बार आया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन्होंने अपने अंग्रेजी उपन्यास रिच लाइफ अस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो नयनतारा सहगल को मिला था। किसको मिला था? नयनतारा सहगल को मिला था। ये किसको मिला था? रिच लाइफ विद अस के लिए नयनतारा सहगल को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार मिला था। ये नयनतारा सहगल कौन है? ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है, ये विजय लक्ष्मी पंडित है ना, आप कमेंट करके बताना कहां जाने वाली भारतीय पहली महिला थी, इनकी बेटी कौन होती थी? नयनतारा सहगल, ये पेपर में पूछा जाता है। ये विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्री होती थी, तो ये याद कर लेना बच्चों, इनको नयनतारा सहगल को रिच लाइफ अस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रिच लाइफ अस के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? विजय लक्ष्मी पंडित को, की जो बेटी है नयनतारा सहगल को मिला है। एक बार कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको बच्चों इतना शिद्दत से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा वो रिपीट होगा ही होगा। एक बार आया था खालिस्तान को सतलुज नदी के किनारे बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल बांध को किस नदी के किनारे बनाया गया है? तो सतलुज नदी के किनारे बनाया गया है, और भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बच्चों भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को कहा जाता है, क्योंकि इस भाखड़ा डैम के लिए ना बच्चों किस राजा से जमीन लेनी थी? बिलासपुर के राजा से, और बिलासपुर के राजा ने सभी को जमीन देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, लेकिन सर छोटू राम ने उस राजा से जमीन लेकर दिखा दी थी, क्योंकि हरियाणा वालों में बच्चों कला बहुत होती है। राजा जी के पास जाते हैं और राजा जी ने कहते हैं अगर छोटू राम तू जमीन लेने आया है तो यहां से चला जा, तो ये राजा जी को कहते हैं, राजा जी कौन पागल जमीन लेने आया है, मैं तो आपसे हाल चाल पूछने आया हूं। और कहते हैं चलो आप जमीन मत देना, लेकिन मैं बताता हूं अगर आपने जमीन दी ना तो लोग याद करेंगे कि कोई ऐसा राजा आया था जैसे दानवीर कर्ण को हम आज तक याद करते हैं, इतिहास में आपका नाम है अमर हो जाएगा। तो इन्होंने बिलासपुर के राजा को इतना बड़ा चढ़ा कर लिया, तो बिलासपुर के राजा ने कहा आदमी है तो छोटू राम है, और तो कोई नहीं बोला, ला जल्दी से जल्दी कागज ला, मैं क्या करता हूं साइन करता हूं। तो बच्चों किसी के भी घर जाओ ना, डायरेक्ट रिश्ते की बात नहीं होती, पहले घुमा फिरा के बात करोगे ना तो हो सकता है रिश्ते की बात बन जाए, अदरवाइज ना वहीं से भगा देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, सर छोटू राम से सीख लो। हालांकि इनकी मृत्यु के बाद है ना 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भाखड़ा में पानी आया था, तो ये याद कर लेना बच्चों। बहुत बार इस बांध की नींव 1946 में रखी गई थी और 1948 में बनना शुरू हुआ। नींव 1946 में रखी गई थी और बनना कब शुरू हुआ था? 1948 में ये बनना शुरू हुआ था। तो सर छोटू राम का तो देहांत ही 1945 में हो गया था, फिर भी इनको भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। एक बार आया था निम्न में कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव विधानसभा से चुने गए सदस्य प्यारे बच्चों किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष एज होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है इनके? राज्यसभा क्या है प्यारे बच्चों? एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। गुरुजी यहां पर प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी सारा का सारा। अगर कंप्लीट टीम का अगर आपको कोर्स लेना है, नंबर दे देता हूं 74978400 47 रहेगा। इसमें जो ग्राम सचिव कनाल पटवारी और ग्राम सचिव का रिकॉर्डेड बैच 249 रुपए में है, और हरियाणा पुलिस का ना 999 रुपए में ये लाइव बैच रहेगा।
और ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा, इसमें सारी की सारी 10 क्लासे आपको लाइव मिलेगी, देख लेना अच्छा लगे तो। यहाँ पर भी मैं 2 क्लासे तो आपको हरियाणा और इंडिया की देता रहूंगा, टीम का कंप्लीट लेना है तो वहां से देख सकते हो प्यारे बच्चों। एक बार ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा पेपर में आता है कि 7-स्टार स्कीम के तहत हरियाणा की कितनी पंचायतों को 6-स्टार रेटिंग मिली थी, तो 20 ग्राम पंचायतों को 7-स्टार रेटिंग के तहत हरियाणा की कितनी ग्राम पंचायतों को, तो 20 ग्राम पंचायतों को कितने स्टार रेटिंग मिली थी, 6-स्टार रेटिंग मिली थी। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे ज्यादा आगामी, यदि खालिस्तान के द्वारा सुझाया जाए तो भारत के राष्ट्रपति को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले पद से हटाया जा सकता है, तो बच्चों संसद के दोनों सदनों में ना महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये पक्का आएगा कि महाभियोग का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है, और महाभियोग है ना किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले जानकारी देनी होगी, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जानकारी देनी होगी, उसके बाद उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। लोकसभा में आया है तो बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आया है तो बाद में लोकसभा, अगर ये पारित हो जाता है ना तो राष्ट्रपति को क्या किया है, पद से हटाया भी जा सकता है। तो महाभियोग प्रक्रिया एग्जाम में पक्की पूछी गई है प्यारे बच्चों, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम के लिए बहुत बार क्वेश्चन रहेगा कि वायुमंडल की कुल द्रव्यमान के 75% वाली घनी परत कौन सी है, शोभ मंडल। तो 75% जो वायुमंडल किस परत में पाया जाता है, शोभ मंडल में पाया जाता है। तो ये पेपर में आएगा बच्चों, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है, शोभ मंडल में होती है। जैसे बिजली का चमकना हो गया, बारिश का आना हो गया, ओलों का गिरना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और समताप मंडल में ये पूछा जाता है कौन सी जो परत है ना वो वायुयान उड़ाने के लिए, ये पर रट लेना, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत कौन सी है, समताप मंडल। मध्य मंडल में क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, जो उल्का पिंड है ना वो किस मंडल में होते हैं, मध्य मंडल में होते हैं, ऊपर आयन मंडल होता है। तो ये बच्चों बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसी में क्या होती है, एक ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन आता है, ओजोन लेयर को कौन हानि पहुंचाती है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती है। और ओजोन लेयर हमें ना सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे प्रावेंगनी किरणों को जो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और डायरेक्ट आए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है बच्चों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक बार आया था चमत्कारी मंत्र किस वेद से संबंधित है, तो चमत्कारी मंत्र अथर्व वेद से संबंधित है। चमत्कारी मंत्र किस वेद से संबंधित रहेगा प्यारे बच्चों, अथर्व वेद से संबंधित रहेगा। और अथर्व वेद को ना जादू टोनों का वेद माना जाता है, अपने जादू टोने तो सुने होंगे प्यारे बच्चों, अगर नहीं सुने ना तो आपने ना बंगाल साइड आप जाकर देखोगे ना वहां पर तो पूरे सबसे ज्यादा जादू टोने होते हैं, आप कभी बंगाल साइड जाकर देखना वहां सुनोगे आप सबसे ज्यादा यही सुनोगे कि मतलब वहां पर ना वशीकरण सिखाया जाता है। आपने जादू टोना देखा नहीं तो सुना जरूर होगा प्यारे बच्चों, आपको याद नहीं है, आप जब भी बस में बैठोगे ना तो लेफ्ट या राइट साइड में जरूर देखना आपको बंगाली बाबा के जो कार्टून मिलेंगे, मात्र 100 रुपए में लड़की आपके कदमों में आ गिरेगी, मात्र 100 रुपए में सोतन से छुटकारा पाए, 100 रुपए में दबा हुआ खजाना दिखाई देगा। अरे अगर ऐसी बात है तो 100 रुपए तू भाई हमसे क्यों ले रहा है, खुद ही खजाना देख लेना। और हरियाणा वाले लड़की कदमों में आ गिरेगी, फीलिंग के चक्कर में फोन पे करते जाते हैं, बाबा का तो निराला काम हो जाता है लेकिन हमारा 100 रुपए बाद में वो बाबा फोन भी नहीं उठाएगा। इन चक्करों में नहीं होना, जॉब लग जाओ लड़की अपने आप मिल जाएगी, अगर लड़की के पीछे भागोगे ना तो लड़की नहीं मिलेगी, जॉब के पीछे भागोगे तो लड़की जरूर मिल जाएगी, इतना याद रख लेना। अथर्ववेद में ना कहते हैं बच्चों ये प्रजापति है ना
प्रजापति की दो बेटी बताई गई थी, ठीक है, जैसे सभा और समिति, इसी वेद में प्रजापति की सभा और समिति क्या बताई गई थी, दो बेटी, ये सबसे क्या रहेगा, अथर्व वेद नया वेद है, पुराना वेद पूछे तो कौन सा रहेगा, ऋग वेद रहेगा, कितने मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे ज्यादा ऋग्वेद के मंडल पूछे जाते हैं, 1028 सूक्तियां होती है, 10462 ऋचाएं होती हैं, पहला मंडल और दसवां क्या है, सबसे नया मंडल है, और इसमें यह भी पूछा जाता है ऋग्वेद के जो सातवें मंडल में हमें 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के नौवें मंडल में ना हमें किसका वर्णन मिलता है, सोम का वर्णन मिलता है, ये वनस्पति होती है उससे सोम रस मिलता था, ऋग्वेद के दसवें मंडल में ना हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, हालांकि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था होती थी ना बच्चों, वो जाति आधारित ना होकर क्या होती थी, कर्म आधारित होती थी, ये याद कर लेना, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कैसी होती थी, जाति आधारित ना होकर क्या होती थी प्यारे बच्चों, कर्म आधारित होती थी, यानी एक ही इंसान के चार बेटे अलग अलग जॉब में जा सकते थे। गुरुजी ये क्वेश्चन कहां से करवा रहे हो, ये बुक देख लेना बच्चों, पूरे हरियाणा में है, इसमें हरियाणा और इंडिया जीके की, अच्छी लगे तो ले लेना, वैसे यहां पर मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप है, ऑप्शन कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, दिल्ली, तो कोलकाता है ना वो कर्क रेखा के बिल्कुल क्या है, समीप है, कोलकाता किसके समीप है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन है आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कहा था बच्चों 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बच्चों 7 मई 1861 को जिनका जन्म हुआ था कोलकाता में, जिनका जन्म हुआ था, नाम होता था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको ना 1913 में क्या मिला था बच्चों, नोबेल पुरस्कार मिला था, और इतिहास हमें बताया जाता है इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्होंने ही क्या लिखा था प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय गान लिखा था, जनगण मन लिखा था, और राष्ट्रीय गान को हमने कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, और पहली बार कब गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, अध्यक्षता किसने की थी उस अधिवेशन की, विष्णु नारायण दत्त ने की थी। गुरुजी आप फर्स्ट क्यों करवा रहे हो, तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, अगर अब भी किसी को फर्स्ट लग रहा है ना, तो बच्चों आप है ना सिलेक्शन लेने से थोड़ा दूर हो, लेकिन ना जब जब है ना बच्चों आप पढ़ाई करोगे ना, ये क्वेश्चन आपकी टिप्स पर याद हो जाने चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ये एशिया का पहला नोबेल इन्हीं को मिला था, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहली बार 1901 में दिया गया था, हेनरी दुनांत को दिया गया था, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है जो स्वीडन का वैज्ञानिक था, नोबेल पुरस्कार है ना स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी कहां पर दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल वही इंसान है जिसने किसकी खोज की थी प्यारे बच्चों, डायनेमाइट की, क्या कर दी थी, खोज कर दी थी, और वो डायनेमाइट आज है ना किस में प्रयोग होता है, विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे भारत के वर्षा मनुष्य, रेन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो डी शिवानंद पई को रेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, मैडम भिकाजी कामा को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ऑफ 1947 किसे कहा जाता है, ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, जो हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है,
ठीक है। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे एक एग्जाम में आया था बच्चों, नवजात कंगारू को क्या कहा जाता है, तो नवजात कंगारू को जोई कहा जाता है, ये याद कर लेना, आ चुका है। नवजात कंगारू को, नवजात कंगारू को क्या कहा जाता है, तो नवजात कंगारू को प्यारे बच्चों जोई कहा जाता है। नवजात कंगारू को क्या कहा जाता है, तो नवजात कंगारू को क्या कहा जाता है, जोई कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का आएगा, नवजात कंगारू को क्या कहा जाएगा, तो नवजात कंगारू को क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, जोई कहा जाएगा। और कंगारू है ना कहां का रहेगा राष्ट्रीय, तो ये ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, क्या रहेगा राष्ट्रीय पशु कहां का रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुरुजी कब तक ये सीरीज जारी रखोगे, ये एचएसएससी और केट की जो सीरीज है ना, वैसे तो ये नाम देना पड़ता है कोई भी एग्जाम दे देना उसमें ना, चाहे आगे एसएससी एमटीएस की भर्ती है, सभी भर्तियों में ना ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर, हर एक बच्चा ना कमेंट करके बताया करो कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई बच्चा ना कमेंट करके नहीं बताता ना, तो टीचर खुद में कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ना जीके भाई प्रदीप सर पर हरियाणा और इंडिया जीके की दो क्लास आपको हर हाल में मिलती रहेगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आते ही उनको शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूवर देखते हैं ना उतना ही टीचर का मनोबल बढ़ता है। हम आपसे और कुछ भी अभिलाषा नहीं रखते, बस हर एक बच्चा ना कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।